आज हम उस संदेह को दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस भ्रम में रहते हैं कि क्या हम ग्रो करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल करने से हमारा जो चैनल है वो लॉस में जाएगा या वाकई में ग्रो करेगा, और वो टिप्स एंड ट्रिक है भी क्या। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है, तो हम आखिर किसका माने कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक सही है और सही फॉलो कर रहा है। बहुत लोग तो क्या करते हैं कि वॉच टाइम और सब्सक्राइबर परचेज करते हैं, बहुत सारे चीप वेबसाइट भी है वहां से भी लोग परचेज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे भी कि ये हमारा क्या है, इतना में 1000 में 2000 सब्सक्राइबर, 1000 में पूरा चैनल मोनेटाइज, 500 में 4000 वॉच टाइम। तो ये तो ट्रिक आपका सबसे घटिया और सबसे बेकार है। वजह क्योंकि ये जो आपका व्यूज वगैरह लाया जाएगा ये कहीं ना कहीं लोकल चैनलों से लाया जाएगा, जो कि बेमतलब की ये व्यूज है, बे मतलब के जबरदस्ती व्यूज जिसे कह सकते हैं। हमें आप जबरदस्ती दिखा के भी क्या कर लीजिएगा, मान के चलिए कि हम आपके दबाव में हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो व्यूज है इसके मोबाइल से लाया जाए, तो आप मेरा मुझसे कहेंगे कि मेरा ही व्यू देखो, बाकी या किसी का मत देखो। अगर मैं आपके दबाव में हूं तो देखूंगा ही, लेकिन उससे आपका क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होने वाला है? ये पैसे की भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप दिखवा रहे हैं, बाद में क्या फायदा, हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे मतलब की चीज ही नहीं है। तो आप जबरदस्ती दिखलवा रहे हैं, पैसा जो दे रहे हैं वो व्यक्ति जिस चैनल यानी जिस आईडी से आपका चैनल का व्यूज दिया जाएगा वो बिल्कुल बेमतलब का है। तो ऐसे आगे चलकर तो कुछ होगा नहीं, बिल्कुल व्यूज आपका रुक जाएगा, 2 दिन आया आपको बहुत तेजी से और फिर क्या हो गया, बिल्कुल जीरो। तो चैनल वाला भी सोचेगा ना, यूट्यूब भी सोचेगा ना कि ऐसा आखिर कैसे हो गया, तो आप इस चैनल को क्या कर देगा, सीधा खत्म कर देगा। वो फीड पर या जो भी शॉर्ट फीड है या सर्च टर्म्स है वहां भेजना ही आपका चैनल क्या कर देगा, बंद कर देगा, फिर आप रोते फिरेंगे। तो ये टिक तो एक नंबर का घटिया है। दूसरा कि सबसे बेहतर और बढ़िया अपने आप को ग्रो करने के लिए आप लोगों से क्लैप कीजिए। क्लैप कहने का मतलब ये है कि लोगों से ही जुड़िए, खुद जुड़िए। उसके लिए आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे शॉर्ट्स वीडियो बनाए जाते हैं, वहां से भी आप लोगों से मिल सकते हैं। बहुत सारे जैसे कि अभी मौज पे क्या होता है, बातचीत होती है लाइव में, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, वहां बातचीत होती है। एक चिंगारी एप्लीकेशन है, वहां भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और बातें करते हैं, तो वहां से भी आप अपने चैनल के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि मेरा ये चैनल टेक चैनल है, ब्लॉगिंग है या जो भी है, वहां से आप लोगों को अपने चैनल पे लेके आ सकते हैं। फेसबुक पे लोगों को फेसबुक पे तो पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट करके उसमें लिख सकते हैं आप टाइटल में कि प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, दिस इज फॉर यू, है ना, जो भी बना रहा हूँ ये ब्लॉगिंग है या कुछ भी वो केवल आपके लिए है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लोग आपसे जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि उनके मन पसंद की अगर मिल जा रही है चैनल तो उनको क्यों नहीं जुड़ने में, क्या उनको पैसा थोड़ी लग रहा है, और वो लोग देखेंगे भी, ऐसा नहीं है। आप व्हाट्सएप पे करते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग वैसे भी आपके कॉन्टेक्ट में भी हैं जो आप वीडियो बना रहे हैं, वैसे वीडियो को उनको जरूरत है। तो ये टिप्स ट्रिक सबसे बेस्ट होता है। और अब रहा बात तीसरा, तो तीसरा क्या है कि तीसरा में हम ये काम कर सकते हैं, खुद मेहनत कर सकते हैं, ना कि लोगों के पास जाएंगे, ना कि पैसा देंगे, बल्कि हम खुद मेहनत करेंगे। वीडियो बना लिए, उसको काफी अच्छे ढंग से एडिट करेंगे, हो सके तो कुछ उसमें फूल पत्ती वगैरह भी लगाएंगे, अपने आप को भी अच्छे ढंग से बनाना। उसके बाद जब अपलोड कर देते हो तो उसके बाद टाइटल एक अच्छे तरीके से लिखो। अगर लिखने नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, कुछ 2-4 शब्द के वो लिखते हैं, आप यूट्यूब पे गौर कीजिएगा कि वो 2-3 वर्ड लिखते हैं तो उसे रिलेटेड जितने टैग्स रहते हैं वो सब आ जाते हैं। तो आपकी वीडियो में आप बना रहे हैं क्या, मान के छोटे चैनल में बना है कि ओप्पो मोबाइल का रिव्यू दे रहे हो, तो ओप्पो मोबाइल का रिव्यू दे रहे हो, तो जैसे लिखोगे ना ओप्पो मोबाइल तो वहां पे बहुत सारे टैक्स आ जाएंगे, तो उनमें से 2 टैक्स उठा लो और आपका टाइटल में डाल दो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके डाल दो। उसके बाद उन्हीं सब टैक्स को क्या करो, अपने उसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के लिए यूट्यूब पे कितना ऐसे वाला, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पे जाइए गूगल लेंस में और सब टोटल सीधा क्या कर लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट सॉरी सबको कॉपी करके आप उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं और अपने टैक्स में भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, और टैक्स आज का तो जीपीटी का जमाना है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करें। तो आप किसी भी तरह से आप अपने डिस्क्रिप्शन को और क्या बोलते हैं टाइटल को अच्छे ढंग से बनाइए। वो बेनिफिट क्या देगा आपको कि लोग वहां आपकी वीडियो पर आते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में जरूर जाते हैं कि बंदे ने क्या कुछ खास बातें लिखा है, और डिस्क्रिप्शन में वैसे बातों को जरूर इंक्लूड करना चाहिए जो आपने वीडियो में कम बताए हैं। समय का अगर अभाव है वीडियो में तो आप माना कि नहीं 20 बता रहे हो, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में तो पूरा लिख सकते हो कि 5000 वर्ड्स उसमें डाल सकते हो, 5000 लेटर डाल सकते हो, तो 5000 लेटर बहुत होते हैं, कितना डालिएगा, तो उसमें काफी मेंशन कर दो ताकि लोग समझ जाए, उसका लिंक वगैरह भी उसमें इंक्लूड कर दो ताकि लोग वहां से डायरेक्ट जा सके, तो उससे आपका इंप्रेशन बढ़ता है, लोग वहां से आपको भी शुरू स्टार्ट है तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, और जब लोगों की नजर में आप आ गए तो फिर आप वायरल हो गए शुरू से, धीरे 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 जब पहली सीढ़ी आप चढ़ते हैं तो फिर चढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो ये तीन में से आपको कौन सा ट्रिक्स बेस्ट लगा, पहले तो हमने ही बोल दिया घटिया है, बाकी रहा दूसरा और ये तीसरा, तो उनमें से कौन सा आपको बेस्ट लगा।